वेलकम फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों को एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प में। आज बात करने वाले हैं, अगर आप किसी हार्ड डिस्क में ओएस लोड करने जा रहे हैं और आपका हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। अब विंडोज इंस्टॉल करने गए और आप डिस्क को नहीं डिटेक्ट कर पा रही है, तो अब क्या करें? आइए चलिए देखते हैं कैसे इसको ठीक किया जाए। क्लोज कीजिए। यस, रिपेयर योर कंप्यूटर, क्लिक कीजिए। पहले वाला ऑप्शन चूज कीजिए, यूज रिकवर टूल्स, नेक्स्ट। फिर ये वाला सिलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर लिखिए डिस्क पार्ट। फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा डिस्क पार्ट, एंटर। फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट डिस्क, फिर एंटर। फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा सिलेक्ट डिस्क जीरो। फिर इंटर। और एंड पे लिखना होगा, यहाँ पर लिखिए क्लीन। फिर इंटर। फिर आप क्लोज कर दीजिए इस विंडो को। और कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आ गई है, आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क शो कर रही है।